राजनीति से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत जिनका जबरदस्त जनाधार है। छत्तीसगढ़ सरकार में कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा मोहम्मद अकबर के पास है। वन, परिवहन, विधि जैसे अहम प्रभार संभालने वाले मोहम्मद अकबर विरोधियों पर तीखे प्रहार के लिए जाने जाते हैं। 24 अगस्त 1956 को रायपुर में जन्मे मोहम्मद अकबर ने छात्र राजनीति से सियासी पारी का आगाज किया। कांग्रेस के जिला संगठन संभालने के बाद मोहम्मद अकबर पहली बार 1998 में विधानसभा पहुंचे। मोहम्मद अकबर की लोकप्रियता का पैमाना चुनावी जीत में झलकता है। स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ के मैन इन एक्शन मिनिस्टर मोहम्मद अकबर का। स्वागत है आपका अकबर साहब जी। थैंक यू। पहले तो ये बताइए, आपको मोहम्मद अकबर कहें या ऑनलाइन अकबर कहें? आजकल सुना है आप ऑनलाइन अकबर के नाम से जाने जाते हैं। जो भी कहें दोनों चलेगा। ये वाला अवतार क्या आपने जानबूझ के या सोच समझ के अपनाया ऑनलाइन अकबर वाला? देखिए, ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, मेरे भी पास परिवहन विभाग है और परिवहन विभाग में मैनुअली जो काम होते थे उसमें हमको ऐसा लगा सरकार बनने के बाद कि इसमें काफ़ी कठिनाई है, तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया गया परिवहन विभाग में। और इसके कारण जैसे लाइसेंस बनाना है या रजिस्ट्रेशन बुक का है, सारी चीज़ें, टैक्स बटाना है, परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन, सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद कुछ लोग कहने लग गए, लेकिन नाम तो वही है, मोहम्मद अकबर। ये जब ऑनलाइन करने का चैलेंज आया था तब आपको लगा था कि छत्तीसगढ़ का सिस्टम जो है उसमें ये कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले जो कहानियां होती थी जब सिस्टम ऑनलाइन नहीं था तो बहुत मुश्किलात थे लोगों के लिए भी, और सिस्टम ना चलने की वजह से स्टेट की इकोनॉमी के लिए भी मुश्किल था। देखिए, ऑनलाइन सिस्टम के लिए हम लोग पहले राज्य हमारा नहीं था, लेकिन दिल्ली में या बाकी जो बड़े राज्य हैं, विकसित राज्य हैं, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई हमको ये सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। और ये सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद जब इसकी शुरुआत हुई, तो शुरुआत करने के बाद इसके परिणाम ऐसा दिखा कि जो मैनुअल सिस्टम है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। कई बार परमिट नहीं लेने से इसमें जुर्माने की राशि बहुत अधिक होती है, तो कुछ फाइलों के गायब होने की भी शिकायत थी। इन सब चीज़ों को हटाते हुए ऑनलाइन सिस्टम किए, फिर वन टाइम सेटलमेंट करके 2013 से हमने जितने भी जो पुराने जो टैक्सेस जो बकाया थे, तो 2013 तक का सारा टैक्स माफ़ करके और उसको एक नए सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद नए सिस्टम में उसको आगे जारी किया गया। क्या ये सिस्टम अडॉप्ट हो चुका है? क्योंकि अभी भी हमने कुछ जनता से बात की, कुछ लोग अभी भी थोड़ी कंप्लेंट्स हैं कि निजी ऑपरेटर्स की मनमानी अभी भी चल रही है। देखिए, परिवहन, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है पूरे देश का, आप पता कर लेंगे, हमने परिवहन सुविधा केंद्र ओपन करवाए और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परिवहन सुविधा केंद्र, आपको परिवहन विभाग जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ये ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो ये दोनों ही चीज़ें बाई पोस्ट आपके घर में पहुँच जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को ये सब दिया जा चुका है इसको चालू करने के बाद। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर सब कुछ ऑनलाइन करने के पीछे कोई पड़ा हुआ है तो वो तो मोदी सरकार है, तो क्रेडिट वो सब कुछ अगर ऑनलाइन हो रहा है तो उसका बीजेपी को, मोदी सरकार को देते हैं, ऐसी मानसिकता है। देखिए, यहाँ पे 15 साल तक तो सरकार बीजेपी की थी, तो उनको देख के उनको कर लेना था, नहीं किए तो उनको हम ही नहीं अडॉप्ट कर लिए। जो जनता के हित में है, चाहे वो केंद्र का हो राज्य का हो, अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो डिजिटल इंडिया का स्लोगन है वो आपके डिपार्टमेंट से साकार हो रहा है, तो पब्लिक क्रेडिट आपको देती है या फिर बोलती नहीं तो मोदी जी ने करवाया?
देखिए राज्य सरकार में, छत्तीसगढ़ की सरकार में जितना भी जो भी काम हो रहा है वो क्रेडिट माननीय भूपेश बघेल जी को देती है और उन्हीं को, और मैं ऐसा समझता हूँ कि क्रेडिट उनको मिलना भी चाहिए। आपने बघेल साहब का नाम लिया, लोग कहते हैं कि आप और कई और मंत्री खास तौर पे बघेल साहब के बिल्कुल ऐसे लेफ्टिनेंट बने हुए हैं कि हर चीज़ का क्रेडिट उनको देकर अपनी पोजीशन सिक्योर की हुई है आपने। देखिए ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है, जो काम करेगा। आज छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, नाम भी पहली बार आप सुने होंगे, भरोसे का सम्मेलन। सम्मेलन राजनीतिक होते हैं लेकिन भरोसे का सम्मेलन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग संभाग स्तर में भरोसे का सम्मेलन चल रहा है और भरोसे का सम्मेलन बुलाने की ताकत वही रखता है जिसने भरोसे के लायक कुछ काम किया हो। तो ये मंत्री पद वो भरोसे लायक काम या काम की वजह से या फिर अकेले मुस्लिम एमएलए होने के चलते भी? देखिए सवाल अकेले मुस्लिम एमएलए होने के चलते वाली बात नहीं है। एक बात आपको मैं बता दूं, मैं चुनाव लड़ता हूं कवर्धा विधानसभा से, 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मेरे वोटर हैं, वो कवर्धा उनका निवास है, वो हर चुनाव में वोट डालने भी आते हैं। अब किसको देते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वहीं से चुनाव लड़ता हूं और मैं वहां पे 2933 लोग कवर्धा में, अब पूरा यदि मिलाएंगे तो लगभग 5000 मुस्लिम हैं, 60,000 वोट से चुनाव जीता हूँ। तो मैं इसका श्रेय कवर्धा की जनता को देता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे इस तरीके का कोई बात नहीं है और वो हमेशा उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा आप पब्लिकली भी ये कहते हैं कि आप शिव भक्त हैं, तो इसको लेकर आपको कभी कम्युनिटी से कभी नाराजगी नहीं झेलनी पड़ी? देखिए सबको लेकर चलने में कोई बुराई है नहीं, और यदि मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान कर रहा हूँ तो अपने धर्म का भी सम्मान कर रहा हूँ साथ में, तो मेरे से नाराजगी क्यों होगी? सबको लेकर चलना ही सही काम है। आपने कहा कि सभी धर्मों का आप सम्मान करते हैं, लेकिन धर्मांतर जैसे मुद्दे को लेकर कभी कभी विपक्ष लगातार जो है सवाल खड़े करता है, खासकर सरकार पर। देखिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और विवादित विषय में उत्तर नहीं देता, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। आप बच रहे हैं। धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद भी एक शब्द है जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलन में है। मैंने कहा ना, विवादित विषय की तरफ आप मेरे को मत लेके जाओ, सरकार में क्या काम किया वो पूछो। आपको क्यों लगता है ये विषय विवादित विषय? जो विवादित है वो तो है, वो सच्चाई है और मैं उधर जाना नहीं चाहता। आप सरकार के बारे में 1000 क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब पब्लिक में जब आप जाते हैं तो पब्लिक आपसे ये सवाल नहीं करती कि आजकल ये चल रहा है, ये चल रहा है, आप इस पे बोलते नहीं हैं, आप सिर्फ काम पर बात करते हैं, तो उन चीज़ों का जवाब देना आपको नहीं लगता कि पब्लिक को जवाब नहीं देंगे तो छवि पर असर पड़ेगा? कभी नहीं पूछती पब्लिक, कुछ भी चल रहा है के बारे में कोई बात नहीं होती। आजकल पब्लिक को भी मतलब ये है कि भाई राज्य सरकार का कामकाज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आर्थिक उन्नति के लिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है मैं ऐसा समझता हूँ पूरे देश में कहीं नहीं है, इसलिए पब्लिक को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। क्या यही वजह रही कि डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिले से आपने रिकॉर्ड मतों में जीत दर्ज की है, क्योंकि जनता के बीच आप जाते हैं और उन्हें भरोसा है कि आप काम करके देंगे? जी बिल्कुल। नहीं मुमकिन कैसे हुआ ये? देखिए मैं पहली बार 1998 में विधायक बना, उस समय माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, मेरा विभाग था अटैच टू सीएम। जोगी जी के बारे में आप सभी को मालूम है कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और कलेक्टर भी थे, एसपी भी थे और वो एलएलएम भी थे और इंजीनियर भी थे। अब उनका जो कामकाज करने का तरीका था कि किस तरीके से किस काम को कैसे कराना है, अटैच टू सीएम होने के कारण बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, और उसके बाद से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होती कि कहां से कौन सा काम हो सकता है, उन बारीकियों को पकड़ के अधिक से अधिक विकास का काम होना चाहिए। अब एक बात और भी होती है कि जनता की तरफ से मान लो 10 काम बताया गया, कभी एक हुआ, कभी दो हुआ, कभी 10 हो गया, कभी एक भी नहीं हुआ, लेकिन यदि कोई आपके पास आए तो आप कम से कम प्रेम पूर्वक बात करिए, सम्मान से बात करिए, बैठने के लिए बोल दीजिए, उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए प्रयास ईमानदारी से किया भले मेरा काम नहीं हुआ, तो इसको यदि हम पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
एक आपने काम की बात की, ऑनलाइन वाली की तो बात हमने कर ली, एक और जो स्कीम थी कि हाथी नहीं जाएंगे अंदर, बाहर रख देंगे हम धान, वो आइडिया हाथियों को ही पसंद नहीं आया। बिल्कुल सही कहना है आपका। छत्तीसगढ़ सरकार हाथियों के बारे में जो विचार रखती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व 3, सेमरसोत, बादलखोल, तमोर पिंगला, ये 3 एलिफेंट रिजर्व थे। उसके बाद 2008 में भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली लेमरू हाथी रिजर्व बनाने के लिए, 452 वर्ग किलोमीटर। 2008 से लेकर 2018 10 साल तक सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद भी इसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। कारण ये था कि उसके पूरे नीचे कोयले की खदानें हैं और तत्कालीन सरकार कोयले की खदानों को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 452 वर्ग किलोमीटर का हमने दोबारा सर्वे कराया और हमको ये लगा कि हाथियों के लिए ये जो यहाँ का जो जलवायु है और जो परिस्थितियाँ हाथियों के अनुकूल है, तो सर्वे करने के बाद हमने उसको बढ़ाकर 452 से 1995 वर्ग किलोमीटर किया और 39 कोयले की खदान छोड़े हैं। उसके बाद जाके वो एलिफेंट रिजर्व हमने घोषित किया है। तो ये सरकार की सोच एलिफेंट के प्रति वो आपके सामने है। तो फिर वो जो धान बाहर रखने वाला आइडिया था वो नहीं आया, तो उसके आगे का प्लान क्या है फिर? ये जो धान बाहर रखने वाला हमारा आइडिया था, जिस समय ये प्रारंभ किया गया तो हम लोगों ने ये कहा कि ये एक प्रयोग है, ये सफल भी हो सकता है, ये असफल भी हो सकता है। फिर जब हाथियों का दल जाता है तो घरों को तोड़कर धान बाहर निकाल के और उनको खाते हैं, लेकिन जिस समय हमने खुद उनको सामने रख दिए तो जब दल आया उनको लगा कि अब तक तो निकाल के खाना पड़ता था, क्योंकि वो वेरी इंटेलिजेंट एनिमल उनको कहा जाता है। वो उन्होंने पूरा राउंड मार के देखे लेकिन खाए नहीं, उनको लगा कि इसमें कुछ षड्यंत्र है और इसलिए वो आगे बढ़ गए, तो ये हमारा फेल हो गया है। चुनावी साल है, प्रयोग की आप बात कर रहे हैं, प्रयोग सफल भी होता है असफल भी होता है, चुनाव में कौन सा प्रयोग अब होने वाला है? ये पूरे 5 साल में प्रयोग ही चला है। इसके पहले हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले चुनाव में 2018 के पहले कहा था कि 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदी हम करेंगे, पूरे देश में कहीं दर नहीं है। अब 2019 में जो धान खरीदी हुई उसका सीधे चेक 2500 रुपये प्रति क्विंटल में दिया गया। उसके बाद जब 2020 में धान खरीदी की नौबत आई तो भारत सरकार से चिट्ठी आई, यदि समर्थन मूल्य से अधिक आप कीमत देंगे तो हम आपका जो सेंट्रल पूल में चावल जमा होता है वो नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण सब गए और केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से मुलाकात हुआ, बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं माने। तब मंत्रिमंडल के हमारे कुछ सदस्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठ के तय किए कि हमारा वायदा कांग्रेस का 2500 रुपये प्रति क्विंटल है और भारत सरकार की तरफ से अड़ंगा है, लेकिन हमको तो देना है। तब हमने नई योजना बनाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदते समय समर्थन मूल्य से चेक 3 से 4 दिनों के भीतर, बाद में 9000 रुपया प्रति एकड़, जब आप अंतर की राशि 2500 का जब मिलान करेंगे तो 2500 रुपया पूरा होता है। अब ये 4 किस्तों में हम देते हैं, पहला देते हैं 21 मई को, दूसरा 20 अगस्त राजीव जी के जन्मदिवस पर, तीसरा हम देते हैं 1 नवंबर जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना, और चौथा साल के अंत 31 मार्च। तो इस तरीके से वायदा पूरा करते हुए लगातार ये पूरे देश में पहला राज्य है जो 2500 रुपये के हिसाब से लगातार भुगतान कर रहा है। अब आपको पूरा भरोसा है कि सरकार वापस आएगी? बिल्कुल। वजह? काम भरोसे का सम्मेलन किस लिए है? आपने लगातार अपनी उपलब्धियां तो गिनवा दी और कई ऐसी स्कीम्स हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, कोई कमी महसूस हो रही है आपको कि अभी किसी एक क्षेत्र में आपको जोर देने की ज़रूरत है आपके अपने डिपार्टमेंट में? देखिए, ऐसा है कि किसानों के लिए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, जिनके पास ज़मीन है उनका ये योजना। अब छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, 4,95,000 लोग हैं, 7000 रुपये सालाना देते हैं। अब आइए भारत सरकार की तरफ, भारत सरकार में 3 किस्तों में 4 किस्तों में 2000 हर 4 महीने में 2000, तो 4 × 3 = 12, 6000 रुपया खातेदार किसानों को दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ की सरकार जो खाता, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, उनको 7000 दिया जाता है। किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना, उसमें भरपूर पैसा मिल रहा है, लेकिन जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है
कहीं कोई पूरे देश में किसी के पास योजना नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के पास है। और वो 7,000 रुपया देते हैं जिनके पास एक डिसमिल जमीन नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, खेतीहर मजदूर दूसरे के खेतों में काम करते हैं, अकेला छत्तीसगढ़ सरकार है जिसके पास ये योजना है। अकबर साहब, धारा प्रवाह, सारी योजनाएं, सारे प्रयोग आपने गिना दिए, क्योंकि जून चल रहा है, इलेक्शन का जब समय आता है तो फिर वही धर्मांतरण, वही धर्म, वो मुद्दे आ जाते हैं जिस पर अभी आप जवाब नहीं दे रहे। वो उसमें मैं दूंगा भी नहीं, आप कितने बार भी घुमाओ मैं नहीं दूंगा। अच्छा, पिछली बार मतलब जब चुनाव आएंगे तब भी नहीं देंगे, चुनाव में वो लोग आरोप लगाएंगे तब भी जवाब नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा तो और जो नतीजा आया उससे साफ था कि जनता ने वोट दिया कि बीजेपी सरकार नहीं चाहिए उनको, लेकिन कांग्रेस में किसकी सरकार होगी वो जनता को पता नहीं था कि कौन चेहरा होगा। क्या इस बार जनता को पता होगा कि कौन चेहरा होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है और काम के भरोसे, आप कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए कोई काम नहीं है? 2,50,000 करोड़ किसानों के और आमजनों के जेब में डालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। कोरोना काल में जब पूरे देश में मंदी थी, 54,000 तो खाली मोटरसाइकिल खरीदा गया। यहाँ की स्थिति आर्थिक रूप से, यदि खेतों में किसानों के खाते में पैसा जाएगा तो इसका असर मार्केट में भी होता है। यदि पैसा जाएगा तो मकान भी बनेगा, मोटर गाड़ी खरीदे जाएंगे और उसके बाद अलग अलग शादी ब्याह होगा, तो ये पूरा, और ये पैसा कहाँ जाएगा? तो मार्केट में जाएगा। जब मार्केट में जाएगा तो आर्थिक स्थिति ऊपर आएगा, तो सारे वर्ग के लिए है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस ने नारा भी दे दिया है इस बार 75 पार। और मुख्यमंत्री अगली बार भी भूपेश बघेल ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। अच्छा अकबर साहब, क्या क्या काम हो गए वो तो आपने बता दिया, जनता को हक ये जानने का भी है क्या क्या काम नहीं हुए। 2018 में 36 का आंकड़ा आपने रखा था, 36 लक्ष्य रखे थे, पूरे कौन कौन से नहीं हुए? देखिए, 36 में से 4 या 5 को मैं कह सकता हूँ कि पूरा नहीं हुआ, और बाकी के लगभग वायदे हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं। और जनता की उम्मीदों पर ये सरकार एकदम खरी उतरी है, और आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये जो हम चेहरे वाला सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, आप भी जानते हैं किस लिए पूछ रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि नेतृत्व भूपेश बघेल जी का होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है और पूरे देश में देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग धड़े एक दूसरे के खिलाफ जो काम करते हैं उससे भी विपक्ष से ज़्यादा उससे अपना नुकसान खुद करती है कांग्रेस, वो छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी हुई है अब भी। देखिए, इस तरीके की कोई बात नहीं है छत्तीसगढ़ में। जो कांग्रेस का नेतृत्व है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और यदि इस प्रकार का किसी का कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर के जो हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, तो ये इस तरीके की जो कोई पहली बार और नई बात नहीं है, ये कांग्रेस में चलता रहता है और उनकी ताकत है और वो इस सब चीज़ों को संभाल लेते हैं, यहाँ भी होगा। आपने राहुल जी को नहीं बोला कि छत्तीसगढ़ नहीं आई भारत जोड़ो यात्रा? जो रूट निर्धारित है वो 20 से हट के कहीं कहीं कैसे जा सकते हैं? वो तो रूट निर्धारित है ना, निर्धारित था और उस रूट में गए हैं और सफल भी हुए हैं। जब दोबारा फिर से रूट निर्धारित होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी जाएं। उसका असर आपको यहाँ होता दिखता है चुनावों में भारत जोड़ो? बिल्कुल बिल्कुल होगा, और असर तो आप देख लिए कर्नाटक में। और उसका 2024 के लोकसभा चुनाव में? 24 को टाइम है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे विधानसभा जीतने के बाद भी लोकसभा में वो सीटें नहीं आई जैसी उम्मीद थी। पुलवामा तो आखिर में फिर सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या हुई? देखिए, ऐसा है कि जनता के बीच में जाके जो काम करे उसको बहुत ज़्यादा चुनाव के रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, काम लगातार होना चाहिए। और जो आम जनता से, यदि आपने चुनाव में कोई वायदे किए, अब 100% वायदे पूरे हो जाते हैं ये आप भी जानते हैं, कभी नहीं होता, लेकिन उनको लगना चाहिए कि भाई अधिकांश हमारा मांग पूरा हो गया। अब केंद्र सरकार की तरफ यदि आप जाएंगे तो हमेशा सवाल उठता है कि खाते में 15 लाख अब तक नहीं आया,
दो करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, 100 दिन में महंगाई कम नहीं हुई और किसानों की आय दोगुना, तो ये तो सब नारा ही था ना, या उनके ये घोषणा पत्र में और अपने हर भाषण में ये लोग बोलते गए, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो जब हमसे ये कोई पूछेगा कि तुम्हारा ये 4 मांग पूरा नहीं हुआ, तो हम उसको 8 गिनाएंगे, राज्य का भी 4 गिनाएंगे कि हर आदिवासी परिवार को गाय देने की बात हुई थी, सभी बेरोजगार लोगों को भत्ता देने की बात हुई थी, 5 हॉर्स पावर बिजली का पंप फ्री देने की बात हुई थी, 270 धान का बोनस देने की बात हुई थी। तो 4 राज्य का गिनाओ और 4 केंद्र का गिनाओ और 4 अपना बचा लो। तो जैसा आपने कहा था कि आपने अपने आपको शिव भक्त तो बताया ही था और आखिर में आपने एक तरह से गीता का ज्ञान भी दे दिया कि आपको बस काम करते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए अकबर साहब, मोहम्मद अकबर।